सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीलिट फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, या फिर ये कहें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज में, यहाँ पर 2021, 2022 और 2023 के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले, यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल, स्किनर, ब्रूनर या फिर क्रो एंड क्रो? तो राइट आंसर है, ये कथन है स्किनर का। 2021 में पूछे हुए सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर टू है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है वॉटसन ने, और वॉटसन एक बहुत बड़े व्यवहारवादी थे। क्वेश्चन नंबर थ्री है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो IQ बराबर, हम सभी को पता है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो गुणे 100 यहाँ देखिए केवल ऑप्शन स में ही दिया ही हुआ है, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, यह किसने कहा है? बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, तो ये कहा है गैरिसन ने, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो चार अवस्थाओं का, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 2021 में ही पूछे हुए सारे प्रश्नों को आप देख रहे हो। बाल विकास का तात्पर्य है अभिवृद्धि, स्वास्थ्य, अभिरुचि या क्रमिक परिवर्तन। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, क्रमिक परिवर्तन। एक क्रम से बच्चे में परिवर्तन होता है, धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, फिर स्कूल जाना शुरू करता है, इस तरीके से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद फिर किशोरावस्था आदि, तो सारी चीजें क्रम से होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड ने दिया था बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नाइन है, TAT परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, होते हैं 30 कार्ड, 31 होते हैं लेकिन एक पे कुछ नहीं बना होता है, तो मेनली हम 30 ही मानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाटिया बैटरी परीक्षण का संबंधित है किससे? तो भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी बालक की बुद्धि मानसिक आयु 15 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया? 150 आ गया, तो ऑप्शन स सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूच के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सूच का सिद्धांत कोलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो यह गुड का कथन है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉस का है, ऑप्शन आ सही हो जाए। अब इसके बाद 2022 के प्रश्न पत्र को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, तो बाल विकास में हम जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो लगभग 15 से 16 वर्ष की अवस्था में हम मानते हैं कि बच्चे का बौद्धिक विकास पूर्ण हो जाता है, और ये अवस्था होती है किशोरावस्था की, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 270 होती है, ऑप्शन स सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा, ध्यान, रुचि या फिर स्मृति? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्रेरणा। किसी काम को सीखने के लिए अगर अंदर से प्रेरणा है तो हम उस काम को करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है, सीखने की सही परिभाषा क्या है? तो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसे हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है? तो बच्चे के नैतिक विकास का तात्पर्य बच्चे के चारित्रिक विकास से होता है, ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा
बहिर्मुखी, ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है जो अपने में ही घुला मिला रहता है, वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिंतन के साधनों में से एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण या सामान्यकरण। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा संकेत, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है, उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले प्रमुख स्रोतों में उद्दीपक भी है, आवश्यकता भी, रुचि भी है, ये सब होते हैं, तो आसानी से बच्चे में अभिप्रेरणा उत्पन्न हो जाती है, ये सब स्रोत है प्रेरणा को उत्पन्न करने के। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह किसका कथन है, स्काउट का, जैक्स का, रायबर्न का या फिर रॉस का। तो राइट आंसर है ये कथन है स्काउट का। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सृजनात्मक बालक की विशेषता होती है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संवेग का प्रकार नहीं, तो क्रोध, प्रेम, भय, ये तीनों होते हैं संवेग, लेकिन ध्यान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है, उच्च अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा या उपलब्धि प्रेरक। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर व, उद्दोलन। अब 2023 के पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, मध्यमान, प्रसार या बहुलक। तो राइट आंसर है प्रसार। क्वेश्चन नंबर 2 है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, कितने नियम दिए, तो 3 दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 270 होती है, अभी आपने देखा है लगभग 270। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया था स्किनर ने, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, तो हम सभी को पता है ये होता है किशोर अवस्था में, जो कि 13 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है, शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या समायोजन में। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बौद्धिक विकास में, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है, तो दोस्तों यह कथन है डम्बिल का, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, प्रेरणा, ध्यान, रुचि या स्मृति। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा, ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के प्रमुख स्रोत हैं, तो उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, ये सभी ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुवांशिकता के वाहक होते हैं, तो अनुवांशिकता के वाहक होते हैं जीन्स, ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है, तो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि होती है दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, व्यक्तिगत या व्यक्तिनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि भी इसे कहते हैं, और ये व्यक्तित्व मापन का सबसे अच्छी व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि होती है। बाकी व्यक्तित्व मापन में व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण, ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है, तो ये बुद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, तो सीखना, तर्क, चिंतन या कल्पना। तो राइट आंसर है चिंतन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्थितियां या कितनी अवस्थाएं हैं, तो 4 हैं, चारों के बारे में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि, व्यक्तित्व विधि या व्यक्तिनिष्ठ विधि इसको कहते हैं, और इसे ही हम प्रश्नावली विधि भी कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ या प्रश्नावली विधि व्यक्तित्व को मापने के लिए ये तरीका सबसे सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जानकारी जो है वो खुद जो व्यक्ति जिसका हम मापन कर रहे हैं, जिसके व्यक्तित्व का, उसको सामने बैठा करके उससे हम प्रश्न पूछते हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप अगर अगर आपने कहीं पर देखा होगा प्रक्षेपण विधि, तो उसको आप लोग सही मत लगाइएगा, अगर किसी सीरीज में मैंने बता दिया तो उसको आप लोग प्लीज सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम व्यक्तिनिष्ठ विधि या प्रश्नावली विधि भी कहते हैं, ये व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें हम जिसका परीक्षण कर रहे होते, जिसका मापन कर रहे होते, उसको सामने बैठा करके प्रश्नों को पूछते हैं।
तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको 8 के 8ों सब्जेक्ट के सारे क्लासेस, मास्टर क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। तो सारे सब्जेक्ट को आप लोग देखिएगा, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस, आपको पूरी की पूरी सीरीज की भी क्लासेस मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। और अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी चाहिए, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप पर। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर कोर्स को आपको लेना है तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया हो, चाहे मैसेज करिए चाहे कॉल कर लीजिए आप। थैंक यू सो मच दोस्तों।